हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग देख रहे हैं फील फ्री सॉल्यूशन। तो आशा करूंगी कि आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आएंगे। तो अगर पसंद आए आपको मेरा ये वीडियो तो एक लाइक का बटन जरूर दीजिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मेरे टाइटल से ही समझ में आ गया होगा, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कूड़े में फेंके जाने वाली चीज से कैसे अपने कूड़े को महका सकते हैं। मीन्स डस्टबिन जिसमें कि आप कूड़ा डालते हैं वो भी महकेगा, और वो भी बिना कोई खर्चा किए। आप इस तरीके से देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं दो डस्टबिन। हमेशा ध्यान रखें, अपने घर में दो डस्टबिन ज़रूर रखें, एक गीला कूड़ा इकट्ठा करने के लिए और एक सूखा कूड़ा इकट्ठा करने के लिए। गीला कूड़ा मीन्स साग सब्जी या फिर कुछ इस तरीके का जो आपका किचन का कूड़ा होता है वो आप एक कूड़ेदान में स्टोर करें, और बाकी का जितना भी सूखा धूल मिट्टी कचरा होता है वो आप अपने दूसरे डस्टबिन में स्टोर करें। हमेशा ध्यान रखें, जब भी डस्टबिन खरीदें वो हमेशा ढक्कन वाला ही हो, कभी भी खुला हुआ डस्टबिन ना खरीदें, क्योंकि जो डस्टबिन खुला रहता है उसमें सबसे ज़्यादा मक्खी मच्छर आते हैं और आपके घर में गंदगी फैलाते हैं। मार्केट में इस टाइप के डस्टबिन आपको बहुत ही इजीली मिल जाते हैं। इसमें आपको कैप भी हाथ से उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से ये फुटप्रिंट का यूज़ कर सकते हैं। इसको आप प्रेस करते हैं तो आपका ये ढक्कन खुद ही खुल जाता है, और जैसे ही आप इसको छोड़ते हैं पैर से तब ये बंद हो जाता है। तो ये डस्टबिन सबसे बेस्ट रहता है अपने घर में यूज़ करने के लिए। तो यहाँ तक तो बात हुई कि आपको किस तरीके का डस्टबिन परचेस करना चाहिए, और गीले और सूखे कूड़े के लिए दो अलग अलग डस्टबिन रखने चाहिए। उसके बाद बात आती है कि आप अपने डस्टबिन को कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं। तो मार्केट में इस तरीके के गार्बेज बैग का एक पैकेट आता है, बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाता है। इसमें तीन साइज़ आते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। ये जो साइज़ मैं आपको दिखा रही हूँ ये मीडियम साइज़ का है। इस तरीके का ये रोल होता है जिसके अंदर 30 पीसेस निकलते हैं, आपको किसी भी शॉप पर इजीली मिल जाएगा। आप इनका यूज़ करेंगे तब आप देखेंगे कि आपका डस्टबिन बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। चाहे आप उसके अंदर कितना ही कचरा डाल लें बट वो उसके बाद भी साफ़ सुथरा दिखाई देगा। जैसे कि आप मेरे डस्टबिन देख सकते हैं, ये 2 ईयर्स पुराने हैं, उसके बाद भी आज भी ये नए ही लगते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैं इनको यूज़ करती हूँ वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये गार्बेज बैग है मीडियम साइज़ का। इसमें इस तरीके से डॉट्स बने होते हैं, वहाँ से आप इसको कट कर सकते हैं। इसके अंदर इस साइज़ के ही सारे पन्नी रहती हैं, जितना भी गार्बेज बैग होते हैं वो सब सेम साइज़ के होते हैं। इसके लास्ट में इस तरीके की एक डोरी दी होती है ताकि जब आपका कचरा का गार्बेज बैग भर जाए तब आप उसको बांध कर फेंक सकें। तो आप देख सकते हैं इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, और ये आपके मीडियम साइज़ के डस्टबिन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो हमारा जो डस्टबिन साइज़ है वो मीडियम साइज़ है। इस तरीके से आपको ये गार्बेज बैग अपने डस्टबिन के चारों साइड में लगा देना है। अगर आपका डस्टबिन में इस तरीके से गार्बेज बैग यूज़ करते हैं तब आप देखेंगे कि आपका डस्टबिन हमेशा साफ सुथरा रहेगा, चाहे आप उसके अंदर कितना ही गार्बेज कचरा डाल लें। इस तरीके से लगाने के बाद जब भी आपको कचरा डालना हो तो आप इस तरीके से अपने फुट की हेल्प से, पैर की हेल्प से इसका ढक्कन खोल सकते हैं, इसमें कचरा डाल सकते हैं, अगेन आप इसको बंद कर सकते हैं, मक्खी मच्छर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और सबसे खास बात है इसका साइज, आप देख सकते हैं कि जब मैं इसका ढक्कन बंद कर रही हूँ तब भी ये पन्नी डस्टबिन के अंदर नहीं जा रही है, क्योंकि हमारे पन्नी का साइज थोड़ा बड़ा है। तो हमेशा ध्यान रखें, जितना आपके डस्टबिन का साइज़ है उसके थोड़ा बड़ा ही साइज़ आपको लेना है, ताकि जब भी आप इसका लिड ढक्कन इस तरीके से बंद करें तो ये पन्नी अंदर ना चली जाए। तो एक तो बात हो गई ये। अगर इस तरीके से आपके पास रोल्स नहीं हैं, आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो इस तरीके के पॉली बैग आपको सब्जी वगैरह में मिलते ही हैं जिसको आप फेंक देते हैं, बट आप इसका यूज़ कर सकते हैं डस्टबिन में। इस तरीके से आप अपने डस्टबिन के साइज़ के अकॉर्डिंग कोई भी पॉली ले लीजिए, उसको इस तरीके से उस डस्टबिन में लगा दीजिए। तो इस तरीके से आपका ये बिना पैसे खर्च किए हुए भी गार्बेज बैग घर में ही इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर अच्छा खासा स्पेस है, आप इसके अंदर कचरा डाल सकते हैं, और जब वो भर जाए तब आपको सिंपली इस तरीके से निकाल लेना है और आपका डस्टबिन बिल्कुल क्लीन रहेगा। तो यहाँ तक तो बात हुई कि आप अपने डस्टबिन को क्लीन कैसे कर सकते हैं। अब बात आती है कि महकाएं कैसे। तो इसके लिए मेरे पास है यहाँ पर ये डव सोप का खाली डिब्बा। कोई भी सोप हो जो आप अपने घर में यूज करते हैं उसके खाली रैपर्स तो आपके पास बचते ही हैं, उनको आप फेंक देते हैं, बट अब आपको इसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। अब आप इन खाली डिब्बों का यूज कर सकते हैं अपने कूड़े को महकाने के लिए। तो इस तरीके से आपको डस्टबिन को ओपन करना है, और ये जो खाली डिब्बा है इसको फेंकने की बजाय
जो आप गार्बेज बैग इसमें लगाने वाले हैं उसके नीचे कुछ इस तरीके से डाल देना है। आपके पास कोई भी सोप हो वो आप यूज कर सकते हैं, उसका खाली रैपर आपको यूज करना है, सोप का भी यूज नहीं करना है, सिंपली खाली रैपर यूज कीजिए। उसके बाद इस तरीके से गार्बेज बैग को लगा दीजिए। जब आपका कूड़ा कचरा होता रहेगा तो आपका ये डस्टबिन जब फिल हो जाएगा उसके बाद इस तरीके से इन होल्स में से इसकी खुशबू इसमें आती रहेगी। ध्यान रखिए जब भी आप इसमें डालेंगे तो एकदम से खुशबू नहीं आएगी, बट जब आप इसको बंद करके छोड़ देंगे तो थोड़े टाइम बाद इसमें से खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है, मीन्स आपके कचड़े में से बदबू बिल्कुल नहीं आएगी। लाइकवाइज आपके पास अगर अगरबत्ती के खाली डिब्बे हैं तो उनकी इन पॉलीज में से खाली डिब्बों में से बहुत अच्छी खुशबू आती है, उनका भी आप यूज कर सकते हैं अपने कूड़े को महकाने के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि जो ये अगरबत्ती का डिब्बा मैं यूज कर रही हूँ इसमें कोई भी भगवान की तस्वीर नहीं बनी हुई है, केवल ये लिखा हुआ है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप मंदिर की चीज इसमें यूज कर रहे हैं। वैसे भी आप इसको फेंकने ही वाले थे तो आप इसका यूज कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके की बहुत सारी चीजें हमारे घर में होती हैं खाली, हमारे डस्टबिन को जो महका सकती हैं, तो इस तरीके से आपके कचड़े में बदबू बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब जैसे कि ये है हमारा गार्बेज बैग, तो मेरे पास है यहाँ पर कुछ ये परफ्यूम की खाली बॉटल्स। इनको आप परफ्यूम खत्म होने के बाद एनालाइज करते होंगे तो इनमें बहुत सारी फ्रेग्रेंस आती ही रहती है। इनके कैप में भी अलग से काफी अच्छी फ्रेग्रेंस होती है और बॉटल को अगर आप ऐसे ही छोड़ेंगे तो इसमें बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। तो इस तरीके से आप गार्बेज बैग के नीचे इसको डाल दीजिए, अपने डस्टबिन का ढक्कन बंद कर दीजिए, तब आप देखेंगे कि आपके डस्टबिन में से बिल्कुल भी गंदी स्मेल नहीं आएगी और बल्कि आपके डस्टबिन में से थोड़ी सी अच्छी खुशबू भी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप कि आपको मेरा ये आज का वीडियो काफी यूजफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी कुछ आइडियाज अगर आपको याद हो या फिर आपको माइंड में आ रहे हो तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तो इस तरीके से जब आपका गार्बेज बैग भर जाता है तो आपको सिंपली इस तरीके से निकाल लेना है, बट इन कैंस को अभी ना फेंकें क्योंकि परफ्यूम और डियो की बॉटल्स में काफ़ी ज़्यादा फ्रेग्रेंस होती है और वो काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती है। जो हमारे सोप के खाली बॉक्स होते हैं उनमें एक दो दिन तक स्मेल बनी रहती है, बट ये जो डिओड्रेंट और परफ्यूम के होते हैं ये काफ़ी लंबे समय तक अच्छी फ्रेग्रेंस छोड़ते हैं, तो ये आपका लगभग एक हफ्ते तक काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस आपके डस्टबिन को देते रहेंगे। तो इस तरीके से आप इन खाली डिब्बों का यूज़ कर सकते हैं, खाली पॉलीवैक्स का गार्बेज बैग बनाने में यूज़ कर सकते हैं। सूखा और गीला कूड़ा हमेशा अलग अलग स्टोर करें तो कभी भी गंदी स्मेल नहीं आएगी। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।